बोगीबील ब्रिज जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है, और बात करें अगर इस ब्रिज की लोकेशन की तो आसाम के धीमाजी डिस्ट्रिक्ट और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। और आज इस ट्रेन से अपन लोग ये शानदार जर्नी करने वाले हैं। उसका ट्रेन नंबर है 15907 नहरलगुन विस्टाडोम एक्सप्रेस, जिसमें रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले ही अभी विस्टाडोम कोच भी एड किया गया है। और वेदर भाई साहब ये देखो, पानी ही पानी। अभी फिलहाल हम है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन पे। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। ये लो ट्रेन रुक गई, अपना विस्टाडोम आगे साइड ही रह गया। यहाँ तो शेड है, वहाँ ही साइड जाना पड़ेगा विस्टाडोम कोच के लिए। तो अपनी ट्रेन डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन पे आ चुकी है, वो भी 15 मिनट बिफोर। आपको बता दें ये ट्रेन आती है यहाँ से बस 44 किलोमीटर दूर है तिनसुकिया। तिनसुकिया से चलती है। अब हम यहाँ पर पहले से ही रुके हुए थे तो हमने सोचा यहीं से बोर्ड करते हैं इस ट्रेन को। ये रहा अपना कोच E1 विस्टाडोम कोच है। चलो अंदर चलते हैं, आपको इंटीरियर दिखाते हैं। यार क्या इंटीरियर है इस ट्रेन का, वाकई में मजेदार। चलो अंदर चलते हैं, लगेज भी आपको दिखा दें हमने जहाँ रखा हुआ है। थोड़ा सा इंटीरियर दिखाते हैं, उसके बाद निकलते हैं फटाक से शानदार यादगार सफर पे। यहाँ से एंटर होते ही सबसे पहले आपको मिलेगा लगेज स्पेस। यहाँ पर अपना लगेज रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ये अच्छी चीज है। अलग ही लगेज रखा जाता है। यहाँ हमने अपना रख दिया है लगेज, ये अपना रखा हुआ है अम्ब्रेला। चलो अब आपको दिखाते हैं, ये देखो भाई फर्स्ट लुक इस विस्टाडोम कोच का, देख रहे हो ना, देखते ही दिल खुश हो जाता है। ऊपर की साइड भी ग्लास है और नीचे जो इसकी भाई चेयर्स है ना, पूरा जो है ना चेयर कार रहता है। ये चेयर कार एसी कोच चेयर्स है ना इस विस्टाडोम कोच की, ये हो जाती हैं 360 रोटेट। ये देखो सर अभी करके दिखाते हैं, नीचे से प्रेस करके उसके बाद ये हो गई रोटेट। अब आप ऐसे बैठ सकते हो, इधर कर सकते हो, ये देखो जैसा चाहें वैसा इसको रोटेट करके आराम से बैठ सकते हो। निर्धारित समय से अपना डिपार्चर हो चुका है डिब्रूगढ़ से। अपनी ट्रेन निकल चुकी है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का हम शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 5 दिन 1:45 पे निकलती है तिनसुकिया जंक्शन से और शाम को 7:35 पे पहुंचा देती है नहरलगुन। भाई नजारा अल्टीमेट यार, मौसम बहुत शानदार हो रहा है। पानी अभी थोड़ा बंद हो गया है लेकिन आगे पानी जरूर मिलेगा। पहुंचने वाले हैं बोगीबील ब्रिज। तो चलो हम आपको ये बता देते हैं 2002 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था और फिर 25 दिसंबर 2018 को इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। चलो अब हम आपको दिखाते हैं, बस यार आ ही गया, एक कर्व आएगा उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज। देख रहे हो ना बगल से, बस आगे की साइड यही अपने बोगीबील ब्रिज पे ऊपर मर्ज हो जाती है, तभी तो भाई रेल कम रोड ब्रिज है ये।
अभी आपने देखा अपन लोग पार कर चुके हैं बोगीबील ब्रिज, और ना स्पीड इतनी अच्छी मेंटेन की हुई है कि पता ही नहीं लगा कब ब्रिज पार हो गया। और आपको बता दें टोटल जो लेंथ है ना इस ब्रिज की वो है 4.9 किलोमीटर की। तो कैसा लगा आपको ये बेहतरीन नज़ारा कमेंट से ज़रूर बताना। और बाकी ये जो रूट है ना यार, आसाम का इतने टाइम इतना खूबसूरत हो चुका है क्योंकि बरसात मानसून यहाँ पर बहुत पहले ही आ गया है। अपने यहाँ चल रही है गर्मी और यहाँ चल रहा है मानसून, अभी भी बाहर पानी बरस रहा है। कोच में ये जो विस्टाडोम कोच है इस ट्रेन में, जैसा कि हमने आपको ट्रेन नंबर पहले ही बताया था, डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे ट्रेन नंबर, तो इसमें आपको पानी की बोतल चाहिए तो वो मिल जाएगी, चाय कॉफ़ी की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, कोई भी चीज़ चाहिए हो आपको। यहाँ पर एक मिनी किचन जैसा बना हुआ है, तो चलो हम आपको ये दिखा देते हैं। जब भी आप इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो फिर चाय कॉफ़ी के साथ बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे। एंट्री हम आपको बता रहे थे वो है बिल्कुल ऑब्जर्वेशन लाउंज है उसके जस्ट बगल से। तो यहाँ पर सर मिल जाएंगे। सर आपका नाम? अच्छा, तो यहाँ पर ये है मिनी पेंट्री आप कह सकते हो। यहाँ पर सारी फैसिलिटी, वैसे का क्या आप खाने पीने को यहाँ पर मिल जाएगा? पानी बोतल, मैगी, चाय कॉफ़ी, अच्छा केक वगैरह मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, मैगी चाय कॉफ़ी जो भी है आप यहाँ पर, कैसा चाय कौन सी वाली अवेलेबल है? टी मिक्स होगा। अच्छा टी मिक्स, अच्छा टी मिक्स वाला, अदरक वाला है अवेलेबल? हाँ है। अच्छा, अदरक वाला नहीं है? अदरक वाला नहीं। अच्छा, तो वो एक कॉफ़ी बना दीजिए। और चार्जेस क्या है वैसे चाय कॉफ़ी के, क्या चार्जेस हैं? एमआरपी में सब। हाँ, ऑन एमआरपी में। अच्छा, ऑन एमआरपी। वैसे कितने की है कॉफ़ी, कितने की है? मैगी कॉफी की है 50 का भी देने के लिए जा रहा हूँ। मैगी तो 50 की हो गई। हाँ, वो एमआरपी है। हाँ, और कॉफ़ी कितने की है? कॉफ़ी 25। अच्छा, और चाय जो वो 15 रुपये की आती है जो जिंजर वाली? अच्छा ठीक है, तो एक कॉफ़ी दे दीजिए। तैयार हो चुकी है, आ चुकी है। चलो टेस्ट करते हैं कैसी कॉफी का टेस्ट है। पहले थोड़ा गेट बंद कर देते हैं क्योंकि काफी नॉइस आ रहा है। हाँ, अब ठीक है, चलो टेस्ट करते हैं कॉफी का टेस्ट कैसा है। हाँ, ये देखो नजारे भाई, छोटे छोटे स्टेशन अपन स्किप करते जा रहे हैं और उसी का व्यू यहाँ पर इतना बेहतरीन लग रहा है कि क्या बताएं। और साथ में कॉफ़ी का मज़ा भैया है भाई, कॉफ़ी एकदम आपको कैपेचिनो टाइप्स कॉफ़ी यहाँ पर मिल जाएगी, अच्छा टेस्ट है, तो यहाँ ट्राई कर सकते हो। बाकी ऐसा मौसम है, ऐसा रूट है, ऐसी ट्रेन जर्नी है, तो भाई ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। अभी जिंजर टी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो वो पीते तो और तगड़ा मज़ा आता। खैर, आप लोग जब भी आ रहे हो तो आपको अवेलेबल मिल सकती है। तो यहाँ पर जो फैंस है ना, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। देखो इसको करेंगे, फैन हो गया चालू, तो बढ़िया हवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ एसी वगैरह तो नहीं है ना, तो यहाँ दो फैंस हैं, बढ़िया इनसे आप हवा ले सकते हो। निर्धारित समय से 28 मिनट पहले ही आ चुके हैं अपन लोग धीमा जी, और पानी तो यार लगातार गिर ही रहा है। खैर, अभी हमारा अम्ब्रेला रखा हुआ था आगे की साइड, इसलिए लेकर नहीं आया, थोड़ा सा ऐसे ही मज़े लेते हैं पानी, धीमा धीमा पानी है तो कोई समस्या नहीं है। बाकी आपको इस ट्रेन का बता दें तो तिनसुकिया से चलती है ये ट्रेन नहरलगुन के बीच, ठीक है। तो पहला स्टॉप इसका पड़ा था डिब्रूगढ़, उसके बाद सेकेंड स्टॉप इसका पड़ता है ये धीमा जी। अब आपको इस ट्रेन के हम फेयर्स बता देते हैं, टाइमिंग तो हमने आपको बता दी। तो अगर आप इस विस्टाडोम कोच में ट्रैवल करोगे जिसमें आज अपन लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका फेयर है 1000 रुपीज़। एसी चेयर कार का एक कोच मिलेगा आपको इस ट्रेन में, उसका फेयर पड़ेगा आपको 370 रुपीज़। अगर आप सेकेंड सिटिंग में ट्रैवल करना चाहते हैं इस ट्रेन में, सेकेंड सिटिंग की भी फैसिलिटी है, तो उस कोच में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो उसका आपको फेयर पड़ेगा 100 रुपीज़ ओनली। अब ये देख लो भाई, सेकेंड सिटिंग में 100 और उसका सीधा 10 गुना विस्टाडोम में 1000 रुपीज़। लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा जर्नी में। ये देखो, अभी स्टाफ से बातचीत हुई, उन्होंने बताया इस एरिया में क्या है, जो अभी अपन रिवर निकल के आए हैं ना,
वहाँ आपके आसपास एरिया में पत्थर वगैरह मार देते हैं, बच्चे अच्छे लोग रहते हैं, ये एक कांच ये टूटा हुआ है, एक कांच ये टूटा हुआ है, दो ही है, दो दो कांच ऐसे टूटे हुए हैं पत्थर वगैरह मार के। बताओ इतना बढ़िया रूट है, इतनी बढ़िया ट्रेन है, ये देखो क्या लुक है यार। उसके बाद भी लोग पता नहीं कैसे कर देते हैं सभी। भारत माता की जय। ये आ चुके हैं अभी अपन लोग बरडोलनी, यहाँ पर खड़ी हुई है कोई ट्रेन, क्रॉसिंग हो रही है अपनी। इस ट्रेन का तो हो गया है डिपार्चर, देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। ये लिखा हुआ तो है नाम, लेकिन ये लिखा है आसामी लैंग्वेज में, हमको तो समझ नहीं आई। अब जो भी आसाम से हो आप लोग कमेंट करना कि किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था, और लिखी तो आसामी लैंग्वेज थी लेकिन कौन सी ट्रेन थी। इसको भी सिग्नल मिल गया है, अपन को भी सिग्नल मिल गया है। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी सीट पर, और सीट्स जो है ना काफ़ी कम्फर्टेबल हैं इस कोच की। और ये देखो टॉबल्स वगैरह यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि आपको काफ़ी प्रीमियम फील हो इस कोच में आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो, काफ़ी लुक भी अच्छा प्रीमियम देता है ये चीज़। और एक और चीज़ अभी हमने आपको नहीं बताई है इस कोच में, वो है कि आपको चार्जिंग सॉकेट कहाँ मिलेंगे। यहाँ कहीं देखोगे ना तो चार्जिंग सॉकेट तो यहाँ नहीं लगे हुए हैं, बट आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेंगे इसमें अंडर द चेयर, जैसे वंदे भारत में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। चलो हम आपको दिखा देते हैं एक बार, नीचे यहाँ मिलेंगे आपको चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पर बढ़िया लगाइए अपना चार्जर, टेंशन फ्री चार्ज कीजिए और ये शानदार नज़ारों के मज़े लीजिए। निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग नॉर्थ लखीमपुर रेलवे स्टेशन। वैसे तो अभी पानी थोड़ा बहुत धीमा धीमा कर रहा था, लेकिन अभी तो काफ़ी तेज़ हो गया है पानी, इसलिए देखो अम्ब्रेला छाता लेके हम आ गए। अपनी छाता लेके करते हैं आज ब्लॉगिंग, इसका भी अलग ही मस्त एक्सपीरियंस है यार। और बढ़िया ठंडी हवा और बेहतरीन मौसम हो रहा है। और एक और चीज़, अभी शाम का 5:30 बज रहा है, लगभग 5:45 होने वाला है, और यहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी यहाँ आ गया है मानसून पहले, तो अब जब मानसून आ गया है तो वहाँ हो गए हैं बादल, अब बादल हुए हैं तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर भी मात्र 2 मिनट का स्टॉप है, और अभी अगला जो स्टॉप आएगा ना वहाँ पर अपनी ट्रेन का होगा लोको रिवर्सल। उसके बाद भाई जो हॉन्किंग मिलेगी बहुत अल्टीमेट, यहाँ जो है ना अपना जो ऑब्जर्वेशन लॉन्ज है ना उसी के बगल से लग जाएगा, लोको का व्यू आएगा बहुत शानदार। मतलब आसाम आने का, नॉर्थ ईस्ट आने का जो हमारा प्लान था ना, अब लग रहा है कि हाँ यार बिल्कुल सक्सेसफुल प्लान है, मज़ा आ गया। और आप लोगों को कैसा लग रहा है ये नॉर्थ ईस्ट का टूर, कमेंट में ज़रूर बताना यार। बैक टू बैक नॉर्थ ईस्ट के व्लॉग्स आ रहे हैं अभी, तो और भी आएगा इसके बाद भी जर्नी आएगी नॉर्थ ईस्ट की। चलो सिग्नल हो गया, चलते हैं वापस अपने कोच में।
ये देखो भाई तिरंगा, क्या बात है, क्या व्यू है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अभी शाम का बज रहा है 6:15 और अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है नॉर्थ लखीमपुर से और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं अपन लोग अमरूती रेलवे स्टेशन। अब शाम का मौसम है भाई, ठंडक अच्छी वाली है। अपने भैया को बोला कि एक मैगी जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये वाली, ये जो है ना कपामीनिया जो होती है गर्म पानी डालने वाली, तो ये मैगी एक लेते हैं। और मौसम में ऐसे मैगी खाने का मज़ा तो भाई अलग ही होता है, वही ट्रेन में। तो बस एक गर्मा गर्म अपनी मैगी हो जाएगी रेडी। कितने की? 50 की, 50 रुपये की है। ऑन MRP ही चलता है ये, तो ऑन MRP आपको मिल जाएगी, ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ नहीं लगेगा। और यहाँ पर ये वाला फीचर और इस चेयर का हमने आपको नहीं दिखाया था, ये देखो ये दो टेबल्स ऐसे खुल जाती हैं। वाह, हाँ ये लीजिए भैया, पूरा जो है ध्यान रख रहे हैं सेफ्टी का, बहुत बढ़िया चीज़। तो ऐसे खोल सकते हैं अपन लोग ये मिनी टेबल्स। निर्धारित समय से ही आ चुके हैं अपन लोग अमरूती रेलवे स्टेशन और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट है। अभी हमने आपको बताया था ना कि अपनी ट्रेन का लोको रिवर्सल होना है, तो इसी रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का अब होगा लोको रिवर्सल। और मौसम तो यार मतलब ऐसा है कि जब से दो दिन से रुके हुए हैं आसाम में, पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है यार, लग रहा है कि हाँ। और आज तो बढ़िया छाता वगैरह ले कर निकले हुए हैं। यहाँ पर ये रेड लाइट जल रही है ना, यहीं अटैच किया जाएगा अपना डीजल लोकोमोटिव। फिर यहाँ का व्यू भी बहुत अल्टीमेट होने वाला है। वैसे मैगी तैयार हो गई है अपनी, रखी हुई है अंदर, लेकिन अब सोच रहे हैं थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक लोकोमोटिव आ रहा है। वैसे भी इंतज़ार का सबर का फल मीठा होता है, लेकिन यार कितना भी इंतज़ार कर लें, मैगी तो नमकीन ही है ना, इंतज़ार करने से मीठी तो होगी नहीं, और हो भी जाएगी तो बेकार लगेगी। अच्छा वैसे ये बताओ यार, ट्रेन लवर्स तो अपन सभी हैं यहाँ पर, जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, ये बताओ मैगी लवर कौन कौन है, वो भी ऐसे वेदर में? कभी ट्रेन में खाई है मैगी? कमेंट में ज़रूर बताना। और वैसे भी घर पे कितनी देर में बना लेते हो मैगी? आ गया अपना लोकोमोटिव, क्या सीन है यार, देख रहे हो ना, जो भी पॉइंट्समैन वगैरह हैं सब कैसे ड्यूटी कर रहे हैं अपना इतनी बरसात में। ट्रेन में ये लोकोमोटिव लगा हुआ है सिलीगुड़ी का WDP-4। ये हो गई अपनी कपलिंग सक्सेसफुल। चलो भाई ट्राई करते हैं अपनी गर्मा गर्म मैगी, काफी वेट हो गया है। क्या मजा है भाई, अल्टीमेट मजा, ऐसी ठंडक में गर्मा गर्म चाय कॉफी मैगी। मज़ा आ गया। चलो फटाफट से इसको फिनिश करते हैं। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है। तो कुछ ही देर में अपन लोग पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन नहरलगुन। तो चलिए उससे पहले हम आपको वॉशरूम की कंडीशन दिखा देते हैं, कैसा वॉशरूम है इस विस्टाडोम कोच का। सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा बेसिन, बेसिन की साफ़ सफाई बढ़िया है, डस्टबिन भी दिया है, डस्टबिन की साफ़ सफाई बढ़िया, मेंटेनेंस सब चीज़ों की बढ़िया है। और ये है वॉशरूम कंडीशन, आप देख ही रहे हो मिरर वगैरह एकदम चकाचक, बेसिन भी एकदम साफ, हैंड वॉश आपको मिल जाएगा। और नीचे भी देखो भाई, फर्श एकदम चकाचक, वॉशरूम मिलेगा आपको इस विस्टाडोम कोच का। Thank you.
निर्धारित समय से 31 मिनट पहले ये पहुंच चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन, इस इंटरसिटी ट्रेन की डेस्टिनेशन नहरलगुन रेलवे स्टेशन। और अगर आप इस ट्रेन में विस्टाडोम में बुकिंग करना चाहते हैं तो IRCTC एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी ये ट्रेन इंटरसिटी के नाम से, तिनसुकिया नहरलगुन इंटरसिटी IC एक्सप्रेस लिखा होगा इंटरसिटी एक्सप्रेस के नाम से, तो आप इसमें बुकिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको विस्टाडोम कोच का मजे लेना है ना, तो तिनसुकिया से जब नहरलगुन के लिए आती है ना तभी आपको ये व्यू मिलेगा, लेकिन अगर आप जाते हैं नहरलगुन से तिनसुकिया इसमें विस्टाडोम में, तो फिर वो आगे लोकोमोटिव का पल हो जाता है तो वो व्यू आपको नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक और चीज़, अरुणाचल प्रदेश में अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में आता है नहरलगुन रेलवे स्टेशन, अगर आप यहाँ बाहर निकलना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो यहाँ इनर पास करके एक पास बनता है, तो आप ऑनलाइन भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो आप ऑनलाइन देख लेना भाई कैसे अप्लाई होता है क्या नहीं, क्योंकि हमको तो कहीं बाहर जाना नहीं है, रात भर यहाँ रुकेंगे और फिर निकल जाएंगे कल दूसरी ट्रेन से। ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं और यहाँ भी बन जाएगा, तो वो पास होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी लगी आपको ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई, मज़ा आ गया एकदम, आपको आया कि नहीं मज़ा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ट्रेन लवर्स HY हमारी इंस्टाग्राम ID देखो यहाँ मेंशन हो रही है, वहाँ भी फॉलो कर लो, सारे अपडेट्स वहीं पर मिलते हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं वो हम सारी स्टोरी लगा के दिखा देते हैं भाई कि कब क्या हो रहा है, कहाँ है, क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है ना, तो वहाँ फॉलो कर लो, वहाँ सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो, अभी तो नॉर्थ ईस्ट की और भी जर्नी जानी है। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।